बीएसपी चीफ मायावती पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताज कॉरिडोर घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती है। 20 साल पुराने मामले में इस घोटाले में सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। 20 साल पुराने मामले में सीबीआई को महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। महेंद्र शर्मा नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन AGM थे। सीबीआई पश्चिम की एंटी करप्शन कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होगी। वर्ष 2002 में मायावती ने ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। बीएसपी चीफ मायावती पर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताज कॉरिडोर घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ सकती है। 20 साल पुराने मामले में इस घोटाले में सीबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। 20 साल पुराने मामले में सीबीआई को महेंद्र शर्मा के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है। महेंद्र शर्मा नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन AGM थे। सीबीआई पश्चिम की एंटी करप्शन कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होगी। वर्ष 2002 में मायावती ने ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी।